अच्छा कोई भी मिलावट मिलेगी तो आपको 1 लाख रुपए हम उनको 1 लाख रुपया देंगे पक्का सर, वादे पे वादे हैं एकदम पूरा। मैं वीडियो के सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये प्रूफ है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। जी तो आपका परिचय और आपकी कंपनी का परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम ओम शाह है और मैं राजकोट से हूँ अभी, और मेरा कंपनी का नाम बिहारी गृह उद्योग है। अच्छा, बिहारी गृह उद्योग, यानी कि बिहार का जलवा राजकोट में चल रहा है आपका। बिहार का जलवा तो पूरे दुनिया में ही है। अच्छा अच्छा, राजकोट में क्या, पूरी दुनिया में सब जगह जलवा है। जी जी जी, तो आपके जो बिहारी गृह उद्योग है उसमें क्या क्या प्रोडक्शन तैयार होता है? हम लोग बिहारी गृह उद्योग में बहुत सारे चीजें आइटम बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे रोस्टेड चना, बेसन, सत्तू, वर्मिसिली सेव, मसाले के और सारे आइटम बहुत सारे बनाते हैं जा। अच्छा, तो आज आप यानी कि क्या क्या प्लांट दिखाने वाले हैं? हमारे पास यहाँ पे हम लोग रोस्टेड चने का प्लांट, हम लोग के पास पूरा ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक है, वो हम आपको दिखाएंगे। अपना बेसन का प्लांट है, फुल ऑटोमेटिक प्लांट है, वो हम आपको दिखाएंगे। अपना सत्तू का पूरा प्लांट है ऑटोमेटिक का, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर कि जो रोस्टेड चने हैं वो प्लांट कैसे काम करता है। देखिए, चलिए हम आपको चने दिखा रहे हैं। देखिए ये मशीन है, ये यहाँ से पूरा ग्रेडिंग हो रहा है इस प्लांट में। यहाँ पे देखिए ये धूल निकल रही है, यहाँ पे ये लकड़ी निकल रही है, यहाँ जो चने निकल रहे हैं इसको डिस्टोनर बोलते हैं मशीन। अच्छा, डिस्टोनर प्रोसेस है ये। हाँ, डिस्टोनर प्रोसेस है जो ये डिस्टोनर में से पूरा ये चने को, जैसे छोटी मिट्टी हो जाती है, आकड़ हो जाती है, ये मशीन पूरा निकाल देता है। मशीन निकालने के बाद ये सीधे मशीन पूरा ग्रेडिंग होके टाके में जाता है। टाके में जाने के बाद उसको हम लोग टाके में ले लेते हैं जा। उसके बाद फिर अब ये देखिए हम ये चने को भिंगा रहे हैं। अच्छा, चने को भिगोना पड़ता है। चने को भिगाते हैं जा, भिगा रहे हैं जा, हल्दी और नमक लगा के। अच्छा, तो चने को भिगो रहे तो मतलब कितने घंटे तक भिगोना पड़ता है इसको? ये सिर्फ क्या होता है कि 5-10 मिनट के लिए इसमें पानी की अगर पूरी चढ़ जाए इसके लिए उसको भिगाते हैं जा, वो 5-10 मिनट लगता है, एक बहुत ज्यादा नहीं लगता वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें ये भिग जाते हैं पूरे के पूरे। तो भिगोने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर भिगोने के बाद एक दिन तक उसको हम लोग रहने देते हैं, अगले दिन इसको यूज में काम में लेते हैं। जैसे रोस्टेड करना हो तो अगले दिनों में लेते हैं। जैसे ये देखिए ये मशीन, इसको रोस्टर मशीन बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक पूरा होता है, यहाँ से ये भट्टी है, भट्टी में ये लकड़ी होता है, लकड़ी हम इसमें लकड़ी पे भी काम यूज करते हैं। ये लकड़ी डालते हैं, लकड़ी डालने के बाद ये भट्टी पूरी गर्म होती है। गर्म होने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम चने डालते हैं। चने डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद ये पूरा ऑटोमेटिक रोस्टेड करके फिर वापस, ये चाइना एक मशीन है, इसको चाइना बोलते हैं, ये चाइने में आता है। चाइने में वो धूल मिट्टी जो होती है, रेती जैसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बालू बोलते हैं, कोई रेती बोलते हैं, वो छलनी लग रही है नीचे मतलब। हाँ, वो लग जाती है। लगने के बाद फिर वो डिस्टोनर में जाते हैं। डिस्टोनर में जाने के बाद क्या होता है, जो बड़ी साइज की अच्छे मोटे दाने हैं वो अलग हम लोग कर लेते हैं जा, छोटी जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे भी ग्रेडिंग होगी वापस से? वापस यहाँ से भी ग्रेडिंग होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं यानी कि ये रोस्ट होके ये कंप्लीट आ चुके हैं, तो अब के कई सारे लोगों के माइंड में रहता है कि ये रोस्ट कर रहे हैं तो इसमें क्वालिटी कम हो जाती होगी अगर, क्योंकि भट्टी में इतना तेज आंच होता है तो इससे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे चीजें एक माप होती है, एक टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर के ऊपर इतना पे ही हमको काम करना है। कोई भी पौष्टिक जैसे होता है चाहे कोई भी चीज होता है, वो कभी नहीं जाती, वो जो होता है वो रहता है, उसका एक लिमिट ही बनाई गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कंप्लीट ग्रेडिंग हो चुके हैं, छोटे चने अलग हो गए हैं, बड़े चने अलग हो गए हैं, तो अब ये यानी कि मार्केट में किस तरह बिकेंगे? जैसे इसमें अलग अलग हम लोग के पैकेजिंग आती हैं, बड़े बैग आते हैं हम लोग के, 40 किलो की बैग आते हैं और 30 किलो की बैग। अच्छा, आती हैं। और ये मार्केट में पूरा पैक हो जाते हैं। पैक होने के बाद हम अंदर प्लास्टिक होती है, बढ़िया से उसको पैकिंग करते हैं ताकि घर में कोई भी हवा ना लगे, नरम ना हो, पूरी ध्यान रखा जाता है। तो सर अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चने हैं वो कंप्लीट रोस्टेड हो चुके हैं। इसके बाद में आप कह रहे हैं कि सत्तू जो बनाया जाता है, तो सत्तू की क्या प्रोसेस रहती है? सत्तू की प्रोसेस ये होती है, जैसे ये चने जो हैं अगर उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर धूल मिट्टी अगर बच जाती है तो उसको वापस फिर ग्रेडिंग करना पड़ता है। अच्छा, जो रोस्टेड चने हैं उसको ग्रेडिंग करना पड़ता है। जैसे ये इसको एलिवेटर बोलते हैं, ये एलिवेटर में डालते हैं और एलिवेटर के बाद से आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर माल जा रहा है। ऊपर जाने के बाद इसको रील मशीन बोलते हैं। रील मशीन का काम ये होता है कि कोई भी अगर छोटी धूल मिट्टी कोई भी चीज है, वो जैसे ये देखिए यहाँ पे वो मिट्टी
मिट्टी निकल रही है। अच्छा, ये मिट्टी है, मिट्टी निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। इसमें क्या निकल रहा है? इसमें अगर छोटे छोटे कोई भी चीज अगर उससे साइज से अगर बड़ी साइज की मिट्टी होती वो निकल जाती है। इसको फिर ये इसको डिस्टोनर बोलते हैं। अच्छा, डिस्टोनर में आ गए ये चने? डिस्टोनर में आ गए। डिस्टोनर में आने के बाद जो भी अगर साइड में अगर कोई पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, बड़ी साइज की कोई भी पत्थर हो गया तो साइड से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अच्छा, यहाँ पे कंकड़ वगैरह वो निकल जाएंगे? कंकड़ वंकड़ पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये मशीन पीछे जाएंगे, जैसे वो आप देख रहे हैं कि वो भी एक एलिवेटर है। एलिवेटर? अच्छा, वो एलिवेटर है। एलिवेटर से वही पूरा प्रोसेस होकर फिर वो जाके पॉलिशर मशीन में जाता है। पॉलिशर का काम ये होता है हम लोगों का कि जो भी चने के ऊपर छिलके होते हैं वो पूरे छिलके को उतार दी जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये पूरे चने जैसे कि यानी कि पॉलिश हो चुके हैं, तो इसके बाद में क्या प्रोसेस होगी? पॉलिश के बाद में ये पूरे स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में क्या होगा? ये टैंक पूरा स्टोरेज का। इसमें हम लोग स्टोरेज इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज अगर साफ सुथरे अगर पॉलिश हो चुके हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें पैर ना लगे या गंदा ना हो या कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, वो सीधे के सीधे वो पूरा स्टोरेज में ही ले लेते हैं और पूरा का पूरा फिर वापस स्टोरेज करके फिर वो जो आगे जो देख रहे हैं आप, वो जो इसको पीसने का काम होता है। तो अच्छा, वहाँ पे पिसाई हो रही है, पिसने की काम होती है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है वो भी पूरा हम ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी ऊपर का ऊपर ही पूरा माल लेके वो एलिवेटर के साथ ऊपर स्टोरेज में डाल देते हैं। उसके बाद जो आप देख रही है जो पिसने का काम हो रहा है, पिसने के काम होने के बाद ये देखिए पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा कम्प्लीट वापिस ऊपर जा रहा है वो माल, जा रहा है वो चाइने के लिए जा रहा है। मतलब अच्छा, उसको क्लीन करना है, छाना क्लीन जाए। जैसे घर पे हम आटे छानते हैं ना, उस तरीके का काम होता है कि वो जैसे कहीं कहीं पे भी थोड़ी थोड़ी बच जाती है, आटा बनाने से पहले उसको छाना जाता है, छान जाते हैं। ये पूरा कम्प्लीट छाने, उसके बाद भी अगर कुछ भी अगर 1-8% अगर कुछ रह जाता है अच्छा, तो साइड वाला जो देखिए वहाँ पे वो निकल जाते हैं खराब माल, और जो बढ़िया माल होता है जो नेचुरल होता है वो जाके हमारे सामने से वो निकलता है। जो अच्छा, वो सामने से निकल और वो डायरेक्टली बैग भर दिया जाता है कि फिर वो फिर वापस कहीं ना पड़े, कोई कभी दिक्कत ना हो, या पूरी ध्यान रखते हैं हम लोग कि कोई भी चीज कि किसी को नुकसान ही ना हो, मतलब कि वो खाए तो उसको खराब ना लगे, पूरी की पूरी क्वालिटी में पूरी की पूरी ध्यान रखी जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो बैग भर रहे हैं वो कितने केजी के बैग है पूरे? देखिए हम लोग के बैग ये जो भर रहे हैं ये 20 केजी का बैग है। अच्छा, और 20 केजी का है अभी जो हम कर रहे हैं, 20 केजी का। हमारी 40 केजी की भी बैग आती है, 10 केजी की भी बैग आती है, 5 केजी की भी बैग आ जाती है, और छोटे सारे पैकेजिंग आते हैं। अच्छा, जो यानी कि छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे पैकेजिंग भी होगा? होगा होगा, होता है ना। हमारा 5 रुपए की पैकिंग आती है, 10 की पैकिंग आती है, 100 ग्राम की पैकिंग आती है, 200 ग्राम की पैकिंग आती है, 500 ग्राम की पैकिंग आती है, 5 किलो की पैकिंग आती है, सारे रेंज में पैकिंग आती है। अच्छा, यानी कि रिटेलर से लेके होलसेलर तक आप सप्लाई कर सकते हैं? हम सबको सप्लाई देते हैं। जा सर, अभी यहाँ पे पैकेजिंग का जो सिस्टम है आपका उसको समझाइए, किस प्रकार काम करता है ये? कि जैसे ये सोयाबीन का पैकिंग चल रहा है। अच्छा, ये होपर है। हाँ? होपर में अगर हम माल डालते हैं। हाँ? ये माल यहाँ पे आता है। अच्छा, ये वजन करने के बाद। हाँ? ये माल नीचे आता है। जैसे मैं ये पीछे रोल आते हैं, वो रोल लगते हैं। हाँ? रोल के बाद ये ऑटोमेटिक उसका डेट MRP पूरा कम्प्लीट करने के बाद और यहाँ से वजन करके वो गिराता है। गिराने के बाद वो पर पीस जैसे हमको 10 की करनी है, 12 की करनी है, इस तरीके से कंप्लीट करके निकलता है। अच्छा, वो काट देता है? काट देता। अच्छा, यहाँ पे बैग है वो पे भी यहीं पे तैयार हो रहे हैं ना? बैग हम बाद में लास्ट में करते हैं, जब पूरा प्रोडक्शन करने के बाद बैग यहीं पे तैयार करते हैं। अच्छा, यहीं पे तैयार करते हैं। उसके बाद में जैसे अपन देख रहे हैं वहाँ से रोल लग रहा है पूरा, और जो छोटे छोटे बैग से वो यहीं पे बन रहे वापिस। बराबर। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि वेट भी कर लेता है, तो वेट कैसे करता है? मतलब ऑटोमेटिक ये मशीन लगा हुआ है, वेट का ही मशीन है। इसमें माल गिरता है, माल जब तक वो वजन जितना वेट हमको चाहिए उतना नहीं मिलेगा तब तक वो उसका गिरता रहेगा, ढक्कन है उखलेगा नहीं। उसके बाद वेट कम्प्लीट होने के बाद उसका ढक्कन होता है वो खुलता है। अच्छा, उसके तो इसमें कुछ सिस्टम होगा सेट करने का कि इतने केजी ये है वो? आते हैं ना, ये स्किन है इसमें। अच्छा। बहुत सारे सेट होते हैं, आपको जितने भी ग्राम वजन करना है, जितने मतलब ग्राम में करना है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, और जितने पैकेज निकालने हैं अपन को वो भी यहाँ पे भी काउंट ही पूरा कम्प्लीट ही होगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे नीचे जो हीटर है उसको भी वहाँ पे टेम्परेचर सेट करना पड़ता पूरा का पूरा? ये ऑटोमेटिक ही है, पूरा का पूरा सेट ही हो जाता है वो। हाँ? एक बार आज सुबह में हम सेट करते हैं ना, पूरी शाम तक चलती है ये। अच्छा, पूरे शाम तक चलती है। तो ये सारे जहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं ये सोया वड़ी है, तो इसके बाद में जो भी अपन को पैकिंग करना है वो सारे इसमें ही होते हैं? सारे इसमें होते हैं, अलग अलग है। जैसे एक और आप आगे मशीन देख रहे हैं। अच्छा, वो उसमें बेसन होते हैं, सत्तू होते हैं, ये अपना है अपना सोया वड़ी होती है, सेव होती है, रोस्टेड और सारे मतलब और सारे आइटमें होती हैं। ये भी हमारे ये तीसरा जो मशीन है इसमें हम रोस्टेड चने पैकिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, अगर अपन यहाँ पे सत्तू की बात कर लेते हैं कि वैसे तो पूरे प्रोसेस देखिए अपन ने कि सत्तू एकदम नेचुरल बन रहा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि आज अगर नेचुरल बता रहे हो और कल आप कुछ मिलावट करके दे दे तो
हम अपनी सत्तू में 110% लोगों को गारंटी देते हैं जी कि आप हमारी सत्तू को, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मिलावट है तो आप जाके उसको लेब कराएं। अच्छा, आप लेब का रिपोर्ट दें। हाँ। हम उनको कम से कम 1,00,000 रुपया देंगे। अच्छा, कोई भी मिलावट मिलेगी तो आपको 1,00,000 रुपए? हम उनको 1,00,000 रुपया देंगे। पक्का सर? वादे पे? वादे है एकदम पूरा। मैं वीडियो के सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये प्रूफ है। आप कहीं भी चेक कराओ, कोई भी कराओ, आपको दिक्कत आती है, हम बैठे हैं। हमारा जो ब्रांड है वो हमारा एक बिहारी ब्रांड है और हम इस ब्रांड को इतने बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं जा काम कि हम लोग को पूरे, अभी हमारा काम जो है पूरे गुजरात में सत्तू का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है हम। और हमारी सोच ये है कि पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा हमारा काम हो। और हम उस गारंटी के साथ बेचते हैं जा कि हमारा माल में अगर कोई निकला तो आप हमारे पास से 1,00,000 रुपया लेके जाओ। अच्छा, मिलावट निकली तो 1,00,000 रुपए इनाम है आपको? हाँ हाँ, आराम से देंगे जा, देंगे जा, बिल्कुल हम देंगे जा। आप बोले अगर कोई माल मंगा के पहले अगर अगर चाहे कि उसको लिखवा के भेजो तो हम लिख के देंगे उसको। अच्छा अच्छा, स्टाम्प पे लिख के दे देंगे? स्टाम्प पे लिख के देंगे, लिख के दे देंगे। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जानकारी लगी है और बहुत फायदा हुआ है ऑडियंस को। जी धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि किस प्रकार रोस्टेड चने, सत्तू और बेसन तैयार होता है, उसके बाद में मार्केट में किस तरह ये धमाका मचा रहा है। जहां देखो वहां पे, यानी कि ये जो रोस्टेड चने हैं, बेसन है, वो एक सदाबहार बिजनेस है। शाम को लेने आएगा बंदा, रात को खाएगा और सुबह उठ के वापस जाएगा, बोलेगा हमें रोस्टेड चने और दे दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, आप घर बैठे कॉल कीजिए, आप घर बैठे इस प्रोडक्ट को आप मंगवा सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। साथ में अगर कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। अगर इस वीडियो को किसान टीवी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।